प्यारे बच्चे चलिए आइए चलते हैं फिर से हम लोग साइंस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास टेंथ की, क्लास टेंथ की बहुत इंपॉर्टेंट आज क्लास है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है दर्पण सूत्र। हम लोग आज साइंस की क्लास में दर्पण सूत्र को पढ़ेंगे। अब दर्पण सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे प्रूफ करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले प्यारे बच्चों, जरा आप उन चीजों को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से फिगर बनाइएगा, अच्छे से हम लोग उसको न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग टॉपिक देंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र क्या है तो उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे, उसके नीचे क्या लिखेंगे वो जरा समझते हैं। उसके नीचे लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। आगे लिख लीजिएगा 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र को आप समझिए, कोई अगर आपको बोल देगा कि दर्पण सूत्र बताओ बाबू, तो आप क्या बताएंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या किसको किसको क्या बोलते हैं तो उसके नीचे लिखेंगे जहां भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी, f बराबर प्यारे बच्चों फोकस दूरी। तो आप यहां पे चीजों को फ्रेश देख पा रहे हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f को प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र कहा जाता है। अब इस दर्पण सूत्र को समझने के लिए हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे। हालांकि इसमें आप पहले समझिए कि भी का मतलब क्या है, तो भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी है, यू का मतलब क्या तो वस्तु दूरी, और एफ का मतलब फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग ये पढ़े कि दर्पण सूत्र किसको कहा जाता है, तो वो तो बिल्कुल बेसिकली याद हो जाएगा कि दर्पण सूत्र किसको कहते हैं, तो 1/v + 1/u = 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। अब सवाल क्या आएगा, हो सकता है कि सवाल आएगा कि प्रूफ कीजिए, यानी आप सिद्ध कीजिए कि दर्पण सूत्र का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो अब हम लोग यहां पे दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला ये आया है, ये कहां से आया है, इसका इसको कैसे सिद्ध करेंगे, वो हम लोग अभी का अभी डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कहीं भी सवाल आ सकता है, या फिर टेस्ट होगा हमारे इंस्टीट्यूट में, वहां भी आप सवाल पूछा जा सकता है कि आप सिद्ध करो कि 1/v + 1/u = 1/f, या फिर सवाल ये आ सकता है कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, यानी कि इसको सिद्ध करना है, इतना फार्मूला को लाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अब फार्मूला सिद्ध को करते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f कैसे आता है। इसके लिए सबसे पहले फिगर क्रिएट करेंगे अच्छा सा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे कैसे प्रूफ किया जाता है। आप प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए 3-4 बार 5 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी ये चीजें मुट्ठी में आएंगी, तभी आपको पकड़ में आएंगी, और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ, दर्पण सूत्र का सिद्ध। प्यारे बच्चों अब हम लोगों को दर्पण सूत्र प्रूफ करने के लिए ये फिगर बनाया हुआ है, तो आप उसके नीचे ही ये फिगर बना लेंगे, बहुत अच्छा से फिगर बनाएंगे, पेंसिल की सहायता से बनाइएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम जो प्रूफ करने में लिए हैं वो क्या क्या लिए हैं वो बात समझिएगा। सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण, क्योंकि बाहर की तरफ कलई किया हुआ है तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण लिए हैं, अवतल दर्पण का नाम है MN, एक अवतल दर्पण है। अब इसके अक्ष, मुख्य अक्ष तो जानते हैं, x x' मुख्य अक्ष है, इसका बिंदु ध्रुव जो है P है, P ध्रुव है, और इस ध्रुव पर ही यानी कि इस अक्ष पे एक वस्तु रखा गया है AB।
अब इस वस्तु से एक किरण निकल रहा है और दर्पण से टकराकर अगर जिस बिंदु से पास करता है वही बिंदु तो फोकस कहलाता है, तो ये इस बिंदु से पास कर रहा है इसलिए हम इसको बोल दिए फोकस। अच्छा, अब इससे एक और किरण निकल रहा है, वो सेंटर से पास हो रहा है और सेंटर पर ही लौट जा रहा है, यानी हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि जब किसी दर्पण में कोई किरण जब सेंटर से पास करता है तो उस सेंटर पर ही वापस लौट जाता है। तो देख रहे हैं यहां ब्लैक वाला जब किरण निकल रहा है तो अपने रास्ते पर ही लौट जा रहा है, तो इसको लौटने से और यहां टकरा कर ब्लू वाला से यहां पे कटान बिंदु बन रहा है और जहां पे कटान बिंदु बन रहा है तो एस आर ए बी का प्रतिबिंब बन रहा है। प्यारे बच्चों यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा हाथ है और ये मेरा इधर ये सब परछाई बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ए बी का प्रतिबिंब एस आर बन रहा है। अच्छा, दूसरा बात कि डी क्या है, तो ए से जो निकलने वाली किरण है जिस बिंदु से टकरा कर वापस आ रही है, एफ से गुजर रही है, उसको हम अपने से मान लिए हैं डी। प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए कि डी से ई बिंदु पर लंब डाला गया है, ये अपने से रचना किए हैं। तो पहले आप फिगर को बना लेना है और उसके नीचे ये बात लिख देना है, माना कि एम पी एन एक अवतल दर्पण है जिसमें, जी हाँ बिल्कुल, एक्स एक्स डैश अक्ष को हम मुख्य अक्ष बोल रहे हैं, एक्स एक्स डैश क्या है मुख्य अक्ष है, पी क्या है मेरा तो ध्रुव है, एफ क्या है तो एफ मेरा फोकस है, सी क्या है प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र है, और इसी के नीचे लिखना है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम एरो दे दिए हैं, ए बी क्या है तो ए बी बिल्कुल वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, एस आर भी बोल सकते हैं आर एस भी बोल सकते हैं, तो ए मेरा माना हुआ चीज है इस फिगर में। अब जो अपने से करना है, अक्सर प्यारे बच्चों क्या होता है कि कोई भी चीजों को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रचना करना पड़ता है, तो वैसे ही प्यारे बच्चों यहां पे देख लीजिए हम रचना किए हुए हैं, डी से मुख्य अक्ष के बिंदु ई पर लंब डाला, यानी कि ये डी पॉइंट है और इस डी बिंदु से मुख्य अक्ष के एक बिंदु ई है वहां पे हम लोग लंब डाले हैं, यानी कि डी ई जो है लंब हो गया मुख्य अक्ष पर, यानी कि डी ई लंब एक्स एक्स डैश। अब जो आपको काम करना है प्यारे बच्चों, आपको याद रख लेना है कौन कौन सा त्रिभुज में चलना है, क्या क्या है बच्चों, क्योंकि हम लोग को जो प्रूफ करने वाले जो केस होती है प्यारे बच्चों वहां पे हम लोगों को कुछ बात याद भी रखना पड़ता है कि कैसे कैसे प्रूफ किया जाता है, तो आपको लिए बहुत एक बेसिकली यहां पे देखिए आप अच्छा से, तो कुल मिलाकर चार तरह का त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज नंबर ये कलर करते हैं हम लोग जो ब्लू वाले से कलर कर रहे, देखिए ये कौन सा त्रिभुज होगा जरा बताइए, तो इस त्रिभुज का नाम आप बोलिएगा कि सर त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हैं, या फिर कोई बोलेगा कि बी ए सी बोल सकते हैं, तो आप कोई भी त्रिभुज बोल लीजिए, आप ए बी सी बोल सकते हैं, सी बी ए बोल सकते हैं, सी ए बी बोल सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जरा बात आते हैं, तो यहां पे जो हम एकदम छोटा सा दिख रहा है जिसको कलर कर रहे हैं ये भी एक तरह का त्रिभुज बन रहा है, देख पा रहे होंगे। अच्छा, फिर अब हम ब्लैक वाले से कलर करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। आप पहले बच्चों यहां पे देख लीजिए कि एक तरह का ईवी ट्रायंगल बन रहा है, इस ब्लू वाले छोटा वाला का नाम है सी एस आर, चाहे आर एस सी, सी आर एस कुछ भी बोलिए, इधर वाला ब्लैक का नाम है एस एफ आर, और एक और हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे वो ये, यानी कि प्यारे बच्चों जो हम लोगों को ट्रायंगल बनता है आपको देखिए फिगर बनाना होगा बिल्कुल क्लियर, यानी कि जो दर्पण सूत्र है उसको प्रूफ करने के लिए ऐसा फिगर बनाइएगा कि चार त्रिभुज एकदम झलकना चाहिए, जैसा कि फिगर से क्लियर है ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला दो ट्रायंगल, ब्लैक वाला दो ठो, तो आपको हमेशा क्या चलना है, तो दो गो ब्लू ब्लू वाले में एक साथ चलना है, जैसे हम लोग ए बी सी ट्रायंगल में चले हैं ए बी सी, और एस आर सी में चले हैं तो एस आर सी में, दोनों ब्लू ब्लू वाले में एक साथ चलना है, दोनों ब्लैक ब्लैक में एक साथ चलना है। प्यारे बच्चों
अगर आप दोनों ट्रायंगल में चलिएगा तो आप नाइन्थ क्लास में त्रिभुज चैप्टर पढ़े होंगे, वहां पे पढ़े होंगे कि कोई भी त्रिभुज का लंबाई का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ लंबाई इसका ऊंचाई कितना है ए बी, और छोटा वाला त्रिभुज में ऊंचाई कितना है एस आर, तो ए बी बटा एस आर, देखिए ए बी इसका ऊंचाई है और छोटा वाला का ऊंचाई एस आर है, तो ए बी बटा एस आर, और इसका आधार कितना है एस आर सी में, एबीसी में आधार कौन है, तो एबीसी में आधार है बीसी, और सी एस आर में जो आधार है वो सी एस है, तो ए बी बटा एस आर बराबर बीसी बटा सी एस, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर एक। अब फिर से हम लोग को क्या चलना है, ब्लैक वाले ट्रायंगल में एक साथ चलना है, तो ब्लैक वाला ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ और एस आर एफ। अब इस दोनों ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे तो ऊंचाई यहां क्या है डीई, और इसमें एस आर एफ में ऊंचाई क्या है तो एस आर, तो उसके नीचे एस आर लिख दिए। अब डीई एफ में आधार क्या है, तो डीई एफ में आधार ई एफ है तो आधार के जगह पे ई एफ रख दिए हैं। एस आर एफ में आधार क्या है एस एफ, तो आधार के जगह पे एस एफ रख दिए हैं। प्यारे बच्चों यहां के बाद अब आपको चित्र से देखना पड़ेगा, क्योंकि चित्र में ए बी एक वस्तु है और हम डी से लेकर ई तक के मिलाए हैं, लंब डाले हैं, तो ए बी का मान डी ई के बराबर होगा क्योंकि एक आयत बन रहा है और आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो यहाँ ए बी है और यहाँ डी ई है, तो ए बी के जगह पे डी ई होगा, ऐसा हम लोग चित्र से स्पष्ट है, इसलिए जहां डी ई है प्यारे बच्चों वहां हम लोग क्या रख सकते हैं ए बी रख सकते हैं, तो इस डीई बटा एस आर के जगह पे हम फिर से ए बी बटा एस आर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए समीकरण एक में लेफ्ट साइड ए बी बटा एस आर आया है, इसीलिए हम लोग ऐसा सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए भी यहां ए बी करना चाह रहे हैं, यानी कि डीई है उसके जगह पे हम क्या रख रहे हैं ए बी रख रहे हैं। ऐसा कहां से, तो चित्र से स्पष्ट है कि ए बी बराबर क्या डीई, तो ए बी जो है डीई के बराबर है, इसलिए डीई के जगह पे हम लोग ए बी रख दिए। ए बी बटा एस आर बराबर ई एफ बटा एस एफ। अब समीकरण एक तो इसको मान लिया समीकरण दो, अब फिर से चलते हैं, अब काम क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो से चलेंगे प्यारे बच्चों, और एक और दो में दिख पा रहा होगा कि लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी दो समीकरण हो अगर बाएं तरफ का इक्वल हो तो दाहिना तरफ ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे का काम करते हैं, आगे देखते हैं कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि एक समीकरण और दो समीकरण का बायां तरफ का बात जो है इक्वल है, इसलिए दाएं तरफ का भी बात इक्वल होगा, तो आप जो है इन चीजों को लिखने के बाद एक के नीचे एक लिखते जाइएगा, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए ऐसे ऐसे करके लिख रहे हैं, फिगर का भी काम है हमें इसलिए मिटाए नहीं है, तो फिगर के नीचे हम लिखे हैं पुनः समीकरण एक और समीकरण दो से। समीकरण एक और दो से चलेंगे तो बायां वाला चीज बराबर है इसलिए दाहिने तरफ का भी बराबर हो जाएगा, तो बीसी बटा सी एस देख पा रहे हैं बराबर हो जाएगा ईएफ बटा एसएफ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। प्यारे बच्चों यहां के बाद एक और चीज मानना पड़ता है, देखिए प्रूफ करने के लिए प्यारे बच्चे आपको जगह जगह पे क्या करना है इन चीजों को प्यारे बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से प्रूफ कर पाएंगे। तो याद है रखना पड़ेगा कि समीकरण तीन के बाद एक और चीज मानना पड़ता है, ये बात वो है कि जो हम लोग डी से ई बिंदु पर लंब डाले हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि ई बिंदु जो है पी बिंदु के बहुत नजदीक है, अति निकट है, समझ में आ रहा है, यानी कि प्यारे बच्चे आपको ऐसा मानना है कि जो ई बिंदु है वो पी के बहुत नजदीक है, यानी ई वाला जो पॉइंट है पी के नजदीक है, इसलिए आप ई एफ बोलिए चाहे फिर पी एफ बोलिए दोनों बात क्या है बराबर है। यानी प्यारे बच्चे हम यहां ये बोलना चाह रहे हैं कि यहां पे इसीलिए दोनों को अति निकट माना जाता है कि ई एफ के जगह पे हम क्या रखे पी एफ रख पाए, पी एफ रख पाए इसीलिए ऐसा माना जाता है। तो चलिए हम लोग आगे समीकरण तीन से चलते हैं और फिर ईएफ के जगह पीएफ को रखकर आगे के प्रूफ। प्यारे बच्चों तो अभी हम लोग ईएफ के जगह पे पीएफ पुट करने वाले हैं, तो पुनः हम लोग समीकरण तीन से चलेंगे, तो
तो समीकरण तीन से जहां ईएफ होगा हम लोग वहां क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, पीएफ पुट करेंगे। तो यहां पे समीकरण तीन इस तरीके से है, बीसी बटा सीएस बराबर इस ईएफ के जगह पे हम लोग पीएफ पुट करेंगे, तो यहां हो जाएगा पीएफ बटा एसएफ। प्यारे बच्चों अब यहां के बाद से आपको फिर फिगर में समझना है, इसीलिए प्यारे बच्चे हम फिगर को नहीं मिटाए थे, फिगर के नीचे से उन सारे चीजों को मिटाकर और फिर हम आपको बतलाए हैं। फिगर में देखिए तो बीसी कहां है, तो बीसी का मतलब प्यारे छात्रों यहां से यहां तक बीसी, लेकिन आपको पता है कि कोई भी दूरी कहां से मापा जाता है, हम लोग कल पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी में कि ध्रुव से मापा जाता है, तो इस बीसी को हम लिख सकते हैं पीबी में से अगर पीसी को घटाएंगे तो हम लोगों को बीसी मिलेगा, यानी इस बीसी के जगह से को जैसे मान लिया कि यहां से यहां तक पीबी है टोटल, और टोटल में से अगर पीसी को माइनस कर देंगे हटा देंगे तो बीसी मिलेगा, इसीलिए बीसी के जगह पे हम लोग पीबी माइनस पीसी किए हुए हैं। उसी तरीके से सीएस कहां से कहां तक दूरी हुआ, सी से लेकर एस तक यहां दूरी हुआ सीएस, लेकिन अगर पीसी में से पीएस को अगर माइनस कर लेते हैं तब जाके सीएस बचेगा, इसीलिए सीएस को जो हम लोग लिखे हैं प्यारे बच्चों पीसी माइनस पीएस लिखे हुए हैं। अब पीएफ का हम यहां पे पीएफ छोड़ दिए हैं, जरा एसएफ समझिए कि एसएफ कहां है, तो एस और एफ यहां है। अब इस एसएफ को हम लिखना चाह रहे हैं पीएस माइनस पीएफ, क्योंकि एसएफ तब ना बचेगा, ये वाला दूरी तब बचेगा जब पूरा पीएस में से पीएफ को क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो अब हम लोग पीएस माइनस पीएफ कर लिए हैं। अब इन सारे चीजों को करने के बाद अब आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान देना पड़ेगा प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं कि ध्रुव के जो भी बाई ओर की दूरियां होती है वो सब सारा माइनस होता है, दाएं तरफ प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे भी नीचे माइनस होता है। तो चिन्ह परिपाटी में पीबी क्या है, तो दूरी जो है ध्रुव से मापा जाता है, तो पी से लेकर बी तक की दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलेंगे, और वस्तु किधर है, ध्रुव से बाई तरफ रखा हुआ है, इसलिए वस्तु दूरी को माइनस यू बोलेंगे। वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, यू से सूचित करते हैं, यानी कि जहां पे वस्तु रहेगा उसको हम लोग यू बोलेंगे, और माइनस क्यों, क्योंकि ये बाई तरफ है, तो ध्रुव से जो बाई तरफ होता है उसको माइनस लगाते हैं। अब पीसी क्या है प्यारे बच्चों, पी से लेकर सी तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या बोलते हैं, सी तो केंद्र में है जैसे वृत्त का एक केंद्र होता है, और केंद्र से जो वृत्त तक की दूरी है उसको तो त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको पता है प्यारे छात्रों कि पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या है कहां ध्रुव से, तो ध्रुव से बाई ओर है, तो इसलिए माइनस आर बोलेंगे, और आर का फार्मूला 2f होता है, हम लोग प्रूफ भी किए हैं, तो आर बराबर क्या बच्चों 2f। अब पीएस का बात करते हैं, तो पी से लेके एस तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे, क्योंकि एस आर क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है एबी का, एबी का एस आर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम पीएस को क्या बोल देंगे, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हमेशा भी से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों, और माइनस क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी में कि ध्रुव से बाई ओर है, तो पीएस की दूरी ध्रुव से बाई ओर है, इसलिए इसको माइनस भी बोल दिए, माइनस चिन्ह परिपाटी से, और भी का मतलब प्रतिबिंब दूरी। अब पीएफ का मतलब क्या बच्चों, तो पीएफ, तो पी से लेके एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। प्यारे बच्चों आप जरा अच्छा से समझेंगे, एफ का मतलब होता है सिर्फ फोकस, यानी कि फोकस बिंदु, लेकिन उसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, तो ये पीएफ हो गया फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं, और माइनस क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ध्रुव से बाई तरफ है, और जब भी ध्रुव से बाई तरफ होता है हम लोग माइनस लगाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में जहां पीबी है वहां पे माइनस यू रख देना है, और यहां तो खुद ऑलरेडी माइनस है, फिर पीसी आया तो पीसी के जगह पे हमको कितना रखना है माइनस टू एफ, फिर बटा फिर से पीसी, तो फिर से पीसी के जगह पे माइनस टू एफ रखना है, फिर माइनस तो यहां पे है तो यहां उतार दिए, फिर पीएस, तो पीएस का वैल्यू कितना माइनस भी, तो माइनस भी रख दिए,
फिर पीएफ का बराबर के बाद उधर पीएफ, तो पीएफ कितना है माइनस एफ, तो माइनस एफ। पीएस कितना है, तो पीएस देखिए माइनस भी, तो माइनस भी रख दिए। अब माइनस तो यहां ऑलरेडी है तो ऑलरेडी रख देंगे। फिर क्या है पीएफ, तो पीएफ का वैल्यू माइनस है, यानी कि सबका वैल्यू जो है यहाँ पे रख दिए हैं। अब इतना वैल्यू रखने के बाद प्यारे छात्रों चलिए आगे का सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे बच्चों तो आगे चलिए देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं। इतना तक के तो हम लोग कर लिए, अब इसको हम लोग यहां से सॉल्यूशन करते हैं। तो ये माइनस यू को माइनस यू छोड़ दिए हैं, और ये माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस, तो प्लस टू एफ हो गया, और बटा माइनस टू एफ का माइनस टू एफ छोड़ दिए हैं, और माइनस माइनस प्लस भी हो गया है, फिर बराबर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे माइनस एफ है तो माइनस एफ छोड़ दिए प्यारे बच्चों, और यहाँ देख रहे हैं माइनस भी है तो माइनस भी छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे फिर से माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस एफ हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको पता है कि इधर भी बट्टा में रहे और इधर भी बट्टा में रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि माइनस यू प्लस टू एफ को माइनस भी प्लस एफ के साथ गुना करेंगे, फिर बराबर देंगे, इसको जो है माइनस एफ से गुना करेंगे, यानी माइनस टू एफ प्लस भी इंटू में कितना माइनस भी। प्यारे छात्रों माइनस यू को माइनस भी के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी, अब इसी माइनस को एफ से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस यू को एफ से गुना करेंगे यू एफ, और यहां पे होगा प्लस माइनस माइनस टू एफ को माइनस भी के साथ तो माइनस टू भी एफ होगा, और इस टू एफ को एफ के साथ इस बार करेंगे तो टू एफ को एफ के साथ कितना होगा टू एफ स्क्वायर। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए, तो माइनस एफ है और ये माइनस टू एफ है, तो इसको अगर गुना करेंगे तो टू एफ का स्क्वायर होगा, और माइनस प्लस माइनस भी को एफ से गुना करेंगे तो होगा भी एफ। प्यारे बच्चों यहां पे आप लेफ्ट साइड देखिए तो टू एफ स्क्वायर प्लस में है, और राइट साइड भी टू एफ स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों जब प्लस प्लस में रहता है तो दोनों तरफ कट गया। अब इधर क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, यू भी माइनस यू एफ, और ये माइनस में जो टू भी एफ था प्यारे बच्चों इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले गए, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस टू भी एफ, प्लस में हो जाएगा, और ए वो तो भी एफ ऑलरेडी माइनस है, तो देखिए अब हो गया एक जात का यानी कि भी एफ, तो टू भी एफ में से एक भी एफ घटेगा तो यहां कितना भी एफ बचेगा एक भी एफ बचेगा, और इधर तो वही रहेगा यू भी माइनस यू एफ। प्यारे बच्चों यहां तक आने के बाद आपको जो है एक काम और करना होगा, और इस बात को बिल्कुल याद रखना होगा कि दोनों तरफ किससे भाग करते हैं, u भी f से भाग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ अगर u भी f से भाग करेंगे तो यहां बचेगा u भी तो ऑलरेडी है, सबके नीचे u भी f माइनस तो माइनस, यू एफ था तो यू एफ लिखते हैं और उसके नीचे भी यू भी एफ लिख दिए, बराबर तो बराबर, ऊपर था भी एफ तो भी एफ लिख दिए, उसके नीचे यू भी एफ रख दिए, यानी सबके नीचे यू भी एफ से भाग कर दिए, तो यहाँ यू भी और यू भी कट गया, यहाँ यू एफ कट गया, यहाँ भी एफ कट गया, तो यहां से क्या बच रहा है वन बाई एफ बच रहा है, फिर माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बच रहा है वन बाई भी बच रहा है, फिर बराबर तो बराबर, यहाँ पे भी एफ और भी एफ कट रहा है तो क्या बच रहा है वन बाई यू बच रहा है। अब इस माइनस वाले को राइट साइड भेज सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां बनेगा वन बाई एफ बराबर वन बाई यू और प्लस में वन बाई भी। प्यारे बच्चों आप यहां से देख पा रहे हैं कि अब इसी को हम ये लिख सकते हैं वन बाई भी प्लस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। प्यारे बच्चों अभी जाकर हम लोग उस मुकाम तक पहुंचे हैं और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र। तो ये बहुत ही टफ होता है अपने आप में प्यारे बच्चों, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज टफ नहीं है, बशर्ते आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों अगर आप गिन के जो हम बोल रहे हैं मात्र और मात्र पांच बार दिल से अगर इसको प्रैक्टिस कर लीजिए शुरू से लेकर अंत तक, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि बच्चों आपको करना क्या है, चूंकि ये तो हार्ड तो है देख ही पा रहे होंगे हम लोग, दो ढाई तीन बोर्ड लग गया लगभग, आज की पूरी क्लास सिर्फ हम लोग को दर्पण सूत्र को प्रूफ करने में चला गया, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों जितना ज्यादा भारी होता है वो उतना इम्पोर्टेंट भी होता है, अक्सर
सवाल पूछ चुका है कि दर्पण सूत्र को प्रूफ कीजिए, 8 से 10 मार्क्स का है, तो क्या प्रॉब्लम है बच्चों, हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। वही नहीं प्यारे बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, यानी कि जहां भी का मतलब क्या प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब दूरी, यू का मतलब वस्तु दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी, तो यही कहलाता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f, यही होता है। और आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो बिल्कुल बेसिकली जितना हम चीजों को बताया है, आप एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक लिखते चले जाइएगा। मेरे जैसे ऐसे ऐसे मार्कर नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे पास जगह की अभाव होती है, हमको समझाना होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ किए, अगले क्लास में हम लोग इसी फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ आपको बनाने के लिए भी देंगे प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, धन्यवाद।